गलती माफी मांगने से नहीं सुधारने से सही होती है। इसलिए यदि आप कभी अपने जीवन में कोई भी गलती करें तो उस गलती से हरदम कुछ न कुछ सीखिएगा, ताकि आप वही गलती दोबारा कभी अपने जीवन में न कर पाए। स्वयं पर विजय पाकर इस संसार पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इसलिए अपने आप को स्वयं को कंट्रोल में रखें, ताकि आपसे कोई गलती ना हो। दुनिया में सुख एक ऐसी चीज है जिसको अमीरी आज तक खरीद नहीं सकी। कलयुग साहब यहाँ झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चों का स्वीकार किया जाता है। दूसरा मौका सिर्फ कहानियां देती है, जिंदगी नहीं। इसलिए कभी भी आपको अपनी जिंदगी में कोई भी मौका मिले तो उस पे चौका लगाना ना भूलें। किसी से बदला लेने का आनंद दो चार दिन ही रहेगा, लेकिन माफ कर देने का आनंद जिंदगी भर रहेगा। इसलिए यदि आपको कोई बुरा भला कहे तो उसको माफ कर देना चाहिए। कल्पना के बाद उस पर अमल जरूर करना चाहिए। सीढ़ियों को देखते रहना ही पर्याप्त नहीं, उन पर चढ़ना भी जरूरी होता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में कोई भी अपना कोई टारगेट बनाए तो उसको अचीव करने में अपना पूरा जोर लगा दें। अक्सर राहों में मुसाफिरों के साथ छूट जाया करते हैं, साथ वही निभा पाते हैं जो रिश्तों को समझ पाते हैं। बैठ जाता हूँ मिट्टी पर अक्सर क्योंकि मुझे मेरी औकात अच्छी लगती है। जिस धागे की गांठें खुल सकती हैं उस धागे पर कभी कैंची नहीं चलानी चाहिए। हम चाहे तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, वरना प्रकृति हमारा खुद भाग लिख देती है। और अगर आपको अपना भाग लिखना नहीं आता तो परिस्थिति आपका भाग एक दिन जरूर लिख देगी। ऊंचाई की ओर बढ़ें और कभी भी अपने साथियों की उपेक्षा न करें, क्योंकि नीचे की ओर जाते समय यही साथी आपकी मदद करेंगे। सफलता असफलता की संभावनाओं के आकलन में समय नष्ट न करें, लक्ष्य निर्धारित करें और कार्य प्रारंभ कर दें। इससे आप अपने लक्ष्य की ओर बहुत ही जल्द पहुंच सकेंगे। कामयाबी के हर शिखर पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना मेरे दोस्त। दुआ है कि हर वक्त एक दिन तुम्हारा, हर एक दिन हर एक वक्त हर एक समय तुम्हारा गुलाम होगा। उसने दर्द इतना दिया कि सहा ना गया, उसकी आदत सी थी इसलिए रहा ना गया। आज भी रोता हूँ उसे दूर देखकर, लेकिन दर्द देने वाले से यह कभी कहा नहीं गया। शेर खुद अपनी ताकत से राजा कहलाता है, क्योंकि जंगल में कभी चुनाव नहीं हुआ करते। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वह आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन जरूर, ये उनके फैले हुए पंख बोलते हैं। और वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। आई होप आपको ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुनते रहिएगा अमन वाला स्वैग।